खाना काबा के मुतालिक अहम मालूमात। खाना काबा के अंदर लटके हुए बर्तन नुमा नवादरात दरअसल क्या हैं? हम में से अक्सर लोग जब खाना काबा के अंदरूनी मनाजिर देखते हैं तो जो चीज हमको सबसे ज्यादा अजीब लगती है वो पुराने बर्तन नुमा नवादरात हैं। काबतुल्लाह करीबन 180 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित है और इसकी छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर मुहित है। सतूनों की लकड़ी दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों में से एक है और सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी ताला अन्हा ने लकड़ी के ये तीनों सतून बनवाए थे। गोया इस वक्त तक इनको तकरीबन 1350 साल गुजर चुके हैं। इनकी रंगत गहरी भूरी है। लकड़ी के हर सतून का अमूद मुहित करीबन 150 सेंटीमीटर और कुतर मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इन तीनों सतूनों के दरमियान में एक पतली शहतीर नुमा लठ आवेजा है और ये तीनों के बीचों बीच गुजरती है। इस पर काबतुल्ला के तहाइफ और नवादरात लटके हुए हैं। ये बर्तन नुमा नवादरात मुख्तलिफ इस्लामी अदवार के दौरान इस्लामी ममालिक के सरबराहान की तरफ से काबा शरीफ में पेश किए जाने वाले नवादरात हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ नवादरात दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्फाए राशिदीन के दौर से भी ताल्लुक रखते हों। इसके अलावा खिलाफत उस्मानिया के दौरान पेश किए जाने वाले नवादरात भी मौजूद हैं। ये नवादरात दरअसल मुमकिन तौर पर 3 अकसाम के हैं। पहला, लैंप व फानूस। जिस जमाने में बिजली नहीं थी उस जमाने के लैंप या फानूस जो काबा के अंदर रोशनी के लिए लटकाए जाते थे, इसमें सोने और चांदी के बने हुए कदीम तर्ज के फानूस नुमा लालटेने और लैंप्स वगैरह हैं। दूसरा, बखूरदान। इनमें ऊद लुहान व बखूरात सुलगाने वाले बर्तन या बखूरदान भी शामिल हैं, जिनमें ये खुशबूदार बखूरात सुलगाए जाते हैं। ये एक कदीम रिवायत है। काबतुल्ला को आज भी ऊद व अम्बर व दीगर कीमती बखूरात की धुनी दी जाती है और गिलाफ काबा को ऊद व अम्बर दीगर कीमती अतरियात आमेजे से मुअत्तर किया जाता है। तीसरा, मुमकिन तौर पर इनमें गुस्ल काबा के दौरान इस्तेमाल होने वाले अरके गुलाब व अतरियात के बर्तन भी शामिल हो सकते हैं। ये नवादरात क्योंकि दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिलाफत राशिदा से लेकर मुख्तलिफ सलातीन और इस्लामी हुक्मरानों की तरफ से वक्तन फवक्तन पेश किए जाते रहे हैं, इसलिए इनको बतौर एहतराम यहाँ से हटाया नहीं गया। इनको बदस्तूर काबतुल्ला के अंदर मौजूद रहने दिया गया है। खाना काबा की 2 छतें हैं, एक अंदरूनी दूसरी बैरूनी। इजाफी छत खाना काबा को मजीद मजबूत बनाने के लिए तामीर की गई थी। दोनों छतों के दरमियान 1 मीटर से जायद का फासला रखा गया है। काबा में एक संदूक भी है जिसमें मुख्तलिफ फरमारवाओं की तरफ से पेश किए जाने वाले काबा के कदीम हदियात महफूज हैं। अल हरमैन शरीफैन सदारत ने मजीद बताया कि काबा के दाएं जानिब अंदरूनी हिस्से में रुकने शामी है। इसमें एक सीढ़ी है जो मुस्ततील कमरे की जानिब जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है और इसका एक दरवाजा है। इसका खसूसी ताला किफल है। इसके दरवाजे पर खूबसूरत रेशम का पर्दा लटका हुआ है। इस पर सुनहरी और नकराई रंग की कारी हुई है। सदारत ने यह भी बताया कि काबा के अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है। ये ज्यादातर सफेद है, ताहम संगे मरमर के दूसरे रंगों के टुकड़े भी फर्श पर लगे हुए हैं। काबा का अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत संगे मरमर के टुकड़ों से मजी है और सुर्ख रंग की रेशम के पर्दे से ढांपा हुआ है। इस पर सफेद रंग से अरबी में इबारात और इस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं। इस पर्दे ने काबा की छत को भी ढांप रखा है। काबा के अंदर 8 पत्थर हैं। इन पर खत सुल्स में अरबी इबारतें कंदा हैं। एक पत्थर पर खत कूफी अरबी इबारत लिखी हुई है। ये खूबसूरत लिखाई 6वीं सदी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। दीवार शर्की पर काबा के दरवाजे और बाबुत तौबा के दरमियान साबिक फरमारवा शाह फहद बिन अब्दुल अजीज आल सऊद के दस्तावेज हैं, जो संगे मरमर पर कंद की गई है। इसमें काबा की तज़ईन नौ की तारीख दर्ज है। इस तरह काबा के अंदर इबारतों पर मुश्तमिल पत्थरों की तादाद 10 है और ये तमाम सफेद संगे मरमर के हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन।